हेलो हाउ आर यू भैया, आज हम फिर बात करेंगे उस अजीम इंसान की जिसकी इज्जत हम बिल्कुल भी नहीं करते। जी सर, आज क्या फरमाएंगे? रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। तो भैया शुरू करते हैं आज का पोस्ट माता। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार, जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा हैबिट है, सुबह वॉक करूंगा हैबिट है, किताब पढ़ूंगा 15 दिन हैबिट है। सर हमारी मेन हैबिट तो आप भूल ही गए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो छोटी छोटी चीजें हैं और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा। हाथ जोड़ता हूँ इस बार कुछ नया बता दे। चाचा आगे बहुत काम की बात है, सुन तो ले। चलो सुन लेते हैं, बोले। मैं बोलता हूँ साला, जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। अच्छा चेक कर लेते। वाह क्या एटीट्यूड आया है। अबे ओए नंगे साले, खुद थ्री पीस सूट में खड़ा हुआ है और हमें चड्डी बनियान पहनवा रहा है। और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होके आए, जस्ट फील इट साला, आग लगा दे दुनिया में। जस्ट फील इट साला, आग लगा दे दुनिया में। कभी भी जिंदगी में नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। क्यों दे दो बाबू भैया? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए। साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए। 1200 फालतू दिए साले, यही 1200 किसी गरीब को दे दो, उसके घर का चूल्हा जल जाए। कभी गलती से कोई अच्छी बात ना सिखा देना। कौन होता है चुतियापे से मोटिवेट? पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ तो सारा बाल काटते छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए। उल्लू के पत्थरे कौन सा नहीं आती कितनी छोड़ के दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है, वो भी 100 रुपए के खातिर। अबे कौन सी दुनिया में रहता है तू? माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स। आई इंप्लीमेंटेड ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन माय ओन लाइफ, इट वर्क्स। वहाँ 4 लोग बैठे होंगे, फुद्दू सा लड़का आया, साला इसको सर बोल रहा है, हम साला गाड़ी सुत रहे हैं, हमको पूछ नहीं रहा। उसको क्या पता 100 की पत्ती देता है हर बार। उसको क्या पता 100 की पत्ती देते हैं हर बार? साले लोगों को रिश्वत देना सिखा रहा है या ये बता रहा है ज्यादा पैसे देके तुम किसी का भी हक मार सकते हो? तुम्हारी फिलॉसफी उल्टी है। सर आप ही तो एक दुनिया में सीधे पैदा हुए हैं। बंटी तो चूतिया है। 100, 50 ले ले साला, कल ही कराया हमने, रोज आते हैं हम यहीं पे। 50 बचा के तुमने अपने आप को गरीब घोषित कर दिया है। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं गरीब साबित हो गया? तो गरीब होना कोई जुर्म है क्या? हर कोई तेरी तरह लोगों को चूतिया बना के मोटिवेशन के नाम पे लाखों नहीं छाप रहा। अफसोस यही गरीब तेरे इन चुतियापों पे तालियां बजा रहे हैं। तो भैया आज का पोस्टमार्टम खत्म करते हैं एक छोटे से पैगाम के साथ। जब तक दुनिया में जिंदा है चूतिया बंदे, इनके चलते रहेंगे मोटिवेशन के धंधे।